वंदे भारत एक अभी हम खड़े हैं मडगांव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो आज हम लोग इनॉग्रेशन जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 02230 मुंबई CSMT इनॉग्रल स्पेशल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो अभी हम बोर्ड करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर। इनॉग्रेशन का फंक्शन बहुत धूमधाम से चल रहा है मडगांव जंक्शन पे, और कुछ ही समय के बाद अपनी ट्रेन को हरी झंडी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन होने वाला है, जो कि धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और अपनी गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मेरा नाम है साईदीप नाइक और आप देख रहे हैं हमारी भारतीय रेल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी लहराई है डिपार्चर के लिए, और हमारे ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया है मडगांव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो दोस्तों, इस वंदे भारत के अंदर सेंसर ऑपरेटेड वॉशरूम दिया गया है, जो कि धनुष भैया आपको दिखा रहे हैं, जो कि हाथ रखने से ये डोर ऑटोमेटिकली खुलता है और आप अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में मैन्युफैक्चर हुआ था 2023 मई को। मडगांव स्टेशन डिपार्ट होने के बाद थोड़ी ही समय में हमको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया था, जो कि कोकम और मल्टीग्रेन मिक्सचर था। मानसून के सुंदर नज़ारे देखते देखते अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं मांडवी रिवर। इसके आगे पूरा नॉर्थ गोवा है।
अभी हमारा ट्रेन का अराइवल हो रहा है करमली रेलवे स्टेशन पे और इस स्टेशन का कोड है KRMI और ये स्टेशन 6 मीटर अबाउ द सी लेवल पे लोकेटेड है। और करमली स्टेशन पे एक्चुअली वंदे भारत एक्सप्रेस का कमर्शियल स्टॉप नहीं है, ये इनोग्रेशन के लिए एक्स्ट्रा स्टॉप दिया गया है करमली रेलवे स्टेशन पे। अभी हमारा ट्रेन का अराइवल हो गया है थिवीम रेलवे स्टेशन पे जिसका स्टेशन कोड है THVM। ज़्यादातर पैसेंजर थिवीम स्टेशन पे उतरते हैं क्योंकि थिवीम गोवा के सेंटर में पड़ता है और ये नॉर्थ गोवा के अंदर आता है और इस स्टेशन लोकेटेड है 23 मीटर अबाउ द सी लेवल पर। तो आप देख सकते हैं थिवीम रेलवे स्टेशन पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है फूलों की बरसात करके। तो अभी हमारी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है थिवीम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। थिवीम स्टेशन के डिपार्चर होने के कुछ ही समय के बाद हम लोग को वेज थाली सर्व किया गया था जो कि हम अभी देखने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या हम लोग को सर्व किया है। ये थाली के अंदर हमको दो तरह की सब्जी, दाल, राइस, चपाती, गुलाब जामुन और सलाद के साथ इस मील को वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर सर्व किया गया था। तो अभी लंच कंप्लीट करने के बाद इस ट्रेन का थर्ड स्टॉप आ गया है जो कि कनकवली जिसका स्टेशन कोड है KKW और ये स्टेशन 47 मीटर अबाउट द सी लेवल पे लोकेटेड है। और आप देख सकते हैं यहाँ धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का ढोल के साथ। We'll be right back.
सो इस वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हो गया है कनकावली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार के अंदर, जिसका सीट पूरा 180 डिग्री तक रोटेटेबल है और ये 2x2 सीटिंग रेशियो के अंदर आता है। जर्नी विद एके से हम अभी पूछने वाले हैं वंदे भारत के बारे में आपको क्या कहना है? बस ये है भी काफ़ी अच्छा लगा अभी गोवा के लिए, टूरिज्म ज़्यादा है वहाँ पर, आपको पता है काफ़ी लोग घूमने आते हैं गोवा, तो मुंबई से गोवा जाने वाले यात्री या दिल्ली से भी कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा हो गया, गाड़ी मिल गई वंदे भारत जैसी गाड़ी, आरामदायक सीट्स हैं, कंफर्टेबल आराम से बैठो। क्यों जी, बढ़िया ना जी, एंड मेक श्योर यू आर ट्रैवलिंग विद द राइट पार्टनर। हां, बंदा ठीक होना चाहिए। और आप बताओ, बंदा हो या बंदी हो, ठीक होना चाहिए। आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा? अच्छा, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया था ये वंदे भारत। अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों, दीवा पैसेंजर के लिए हमारे ट्रेन को रोका गया था क्योंकि आगे लाइन क्लियर नहीं हुआ था। दीवा पैसेंजर आने तक हमारे ट्रेन को यहाँ पर ही रोका गया था। टू किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RN और ये स्टेशन 132 मीटर अबाउ द सी लेवल पर लोकेटेड है और ये रत्नागिरी गांव मैंगोस के लिए बहुत फेमस है और लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर यहां ड्यूटी चेंज होते हैं और ये स्टेशन पर भी धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो हमारी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हो गया है रत्नागिरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अभी शाम के बज गए हैं 4 और हमको स्नैक्स सर्व किया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर। ये सब चीज़ सर्व किए गए थे वंदे भारत स्नैक्स बॉक्स के अंदर, आप देख सकते हैं कचौड़ी, पैटीज, किटकैट, मैंगो जूस। तो अभी हम वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर चाय करके पीने वाले हैं, तो अभी मैंने शुगर पाउडर डाल दिया है और बॉक्स के अंदर टी पाउडर भी मिला था और अभी हम इसके अंदर पोर करेंगे और मिक्स करके हमारा टी बन गया है रेडी। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं खेड़ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KHED और ये स्टेशन 27 मीटर अबाउ द सी लेवल पे लोकेटेड है और ये इस वंदे भारत एक्सप्रेस का आखिरी स्टॉप है कोंकण रेलवे के अंदर। तो इधर भी बड़ी धूमधाम से हमारे इस ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया जा रहा है ढोल के साथ। तो
तो खेड़ से भी खुल चुकी है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी इसका नेक्स्ट स्टॉप है पनवेल जंक्शन। तो आप इस वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या व्यू एंजॉय कीजिए, मेरी आपसे सीधा मुलाकात होगी पनवेल जंक्शन पे। और अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं सेंट्रल रेलवे के अंदर, जो कि पनवेल, जिसका स्टेशन कोड है PNVL। और ये स्टेशन 21 मीटर अबाउट द सी लेवल पे लोकेटेड है। और इधर भी हमको धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस कंट्रोल के साथ। वंदे भारत एक्सप्रेस को पनवेल से हरी झंडी मिल चुकी है, अभी डिपार्चर होने के लिए तैयार है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। थाने में तो दोस्तों अभी हम लोग दरेल प्रेम से पूछने वाले हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर। बाहर हम दीवा क्रॉस कर रहे हैं, हमने ये जर्नी शुरू किया था सुबह 11:05 पे। मैं सच्ची बताता हूँ, जो टाइम मेरे इधर से गुजरा है, इट वाज लाइक हर एक मोमेंट मैंने यहाँ पे जिया है। जैसे कि तुम्हारे फॉलोअर्स हमारे चैनल पे देख ही लेंगे कि हाउ इट वाज। अभी दीवा हो रहा है, नेक्स्ट है थाने, एंड जैसे कि आप जानते हो कि थाने मेरा नेटिव है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट मतलब थाने का जो जोश है। एंड रहा बात वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो कोंकण रेलवे के लिए ये काफ़ी हिस्टोरिक डे रहेगा, एंड नॉट ओनली फॉर इसके लिए बट इंडियन रेलवे के लिए भी, क्योंकि एक ही दिन में आज 5 वंदे भारत इनॉग्रेट हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई कंट्री ये करके दिखाए, एंड आई डोंट थिंक कि कहीं ऐसा हुआ रहेगा कि 5 डिफरेंट स्टेट्स में यू गेट 5 डिफरेंट वंदे भारत स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेम सोर्स। इसी के साथ आई थिंक और बहुत कुछ है, हम CHC तक पहुँचेंगे, हम और वार्तालाप करेंगे। उसी के साथ मेरे सारे दोस्त लोग हैं, एंड खाना भी भरोसा जाएगा, मैं भी खा लेता हूँ, आप भी खा लो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
तो ठाणे पहुंचने से पहले हमको रात का डिनर सर्व किया गया था, जिसके अंदर वेज बिरयानी और कर्ड था। तो दोनों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। जर्नी ऑलमोस्ट खत्म होते आया है, मैं कंक्लूजन नहीं देना चाहता बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक, लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि जो एम्बियंस है, जो माहौल है यहाँ पे, और जिस तरह से जो पूरा केटरिंग स्टाफ है, जिस तरह से जो सपोर्टिंग स्टाफ है, ये बहुत अनमोल चीज है। मतलब आप यहाँ रहना, द क्वालिटी ऑफ फूड दे सर्व, द क्वालिटी ऑफ एम्बियंस होगा, द क्लीनलीनेस की आप अगर बात करते हो, टॉयलेट मेंटेनेंस, जो आपके बेसिक एम्यूनिटीज है, ऑल दिस आर वेरी वेल मेंटेन्ड एंड ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। रेस्ट आप भी देख लो, पर मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, मेरे रिव्यूज पे मत जाना, खुद राइड करना, जर्नी करना एंड डू लेट मी नो कि आपको इस कैसा लगा। अभी हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है ठाणे रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TNA, और ये स्टेशन 7 मीटर अबाउट द सी लेवल पे लोकेटेड है, और ये हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप होगा। उसके बाद आएगा दादर रेलवे स्टेशन, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे हमारा ये जर्नी खत्म होने वाला है। हमारी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है ठाणे रेलवे स्टेशन से, अब ये सीधा जाएगी दादर रेलवे स्टेशन पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दादर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DR, और ये स्टेशन 7 मीटर अबाउट द सी लेवल पे लोकेटेड है, और यहाँ पर फूल देख के हमको स्वागत किया जा रहा है, और ये स्टेशन पे लोको पायलट को सम्मानित किया जा रहा है लोको कैब के अंदर, वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि ये अभी इस जर्नी का लास्ट स्टेशन आ चुका है, जो हमारा डेस्टिनेशन है CSMT, एंड वी आर अबाउट टू एंटर इनटू CSMT। इससे पहले मैं अपना कुछ व्यूज वंदे भारत के लिए कहना चाहता हूँ। कोंकण रूट में ये वंदे भारत काफ़ी क्या बोलते हैं इसे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल फीलिंग जो मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ का जो स्टाफ बोलता रहेगा, अगर यहाँ का मैं IRCTC का क्रू बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी हाउसिंग या कैटरिंग का मैं क्रू की बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी फ्रेंडली, एंड आपको पता है तो जो खाना दिया गया है राइट फ्रॉम जिस तरह आपके टेबल पे रखा जाता है, उससे लेकर आपसे टेबल से जो आपके लेफ्ट ओवर लेके जिस तरह से डंप करते, ऑल दोज आर वेरी ह्यूमन एंड दोज आर वेरी ऑर्गेनिक। साथ ही साथ तुमको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुम वंदे भारत में हो, सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि आपका भी जिम्मेदारी है इस चीज़ को संभालने का, क्योंकि यहाँ तुम टिकट लेते हो, टिकट के साथ ही साथ तुम इस पब्लिक प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी भी साथ में लेते हो। इसी के साथ देख सकते हो CST स्टेशन आ चुका है, और हमारा भी अभी डीबोर्ड होने का टाइम भी आ गया है। बाकी आई थिंक यू गाइज आर एंजॉइंग द पेज ऑफ हमारी भारतीय रेल, जो विच इज़ ग्रोइंग वेरी गुड, एंड ऑल द बेस्ट, एंड दिस इज ट्रेन प्रेम, आपका होस्ट, आपका दोस्त साइनिंग ऑफ। अभी हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है, और इस ट्रेन का आखिरी स्टॉप भी आ चुका है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसका स्टेशन कोड है CSMT। यहाँ पर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी आए थे, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे भीड़ और मीडिया रिपोर्टर भी थे। यहाँ पर हमारी जर्नी समाप्त होती है मडगांव टू मुंबई CSMT वंदे भारत की, और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करना कैसी वीडियो थी, क्या कमियाँ थी और क्या अच्छाई थी इस वीडियो के अंदर।